गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रोहित फ्रॉम अप्लाई साइड डिपार्टमेंट, वर्किंग इन आरपीआईटी कॉलेज कैंपस का नाम। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक प्रोबेबिलिटी हम डिस्कस कर रहे थे। बेसिक प्रोबेबिलिटी के बाद हमने डिस्कस किया था क्लासिकल एंड स्टैटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल डेफिनेशन में मेरे पास क्या है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैम्पल स्पेस, या टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल आउटकम्स या डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, उसका न्यूमेरिकल हमने डिस्कस कर दिया। उसके बाद हमने डिस्कस करा था फ्रीक्वेंसी एंड स्टैटिकल डेफिनेशन। फ्रीक्वेंसी एंड स्टैटिकल डेफिनेशन, अगर मैं कोई इवेंट है पी ऑफ ई, दिस इज इक्वल टू एन लॉग एन टेन टू इन्फिनिटी, एन मेरे पास क्या वेरी लार्ज है, आर डिवाइडेड बाई एन, डिवाइडेड बाई एन, एन वेरी वेरी लार्ज है, तो देन द इवेंट ई अक्रेंस आर टाइम्स इन द ट्रायल, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिस इज इक्वल टू लॉग एन टेन टू इन्फिनिटी आर बाय एन, पी ऑफ ई वेरी ऑफ्टन डिनोटेड बाय पी। उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे एडिटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी टू इवेंट्स के लिए, थ्री इवेंट्स के लिए एंड एन इवेंट्स के लिए ना। एडिटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी हम टू इवेंट्स के लिए करेंगे, थ्री के लिए करेंगे एंड फोर्थ इवेंट के लिए करेंगे। तो फर्स्ट फॉर टू इवेंट्स के लिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर मेरे पास ए बी, क्या मेरे पास कोई टू इवेंट है ऑफ सैम्पल स्पेस का, देन विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देन नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है जो मेरे पास इंटरसेक्शन है वो दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी या ए वन यूनियन ए टू। यहाँ पर देखो, यहाँ पर यहाँ क्या लिख लो, ए वन लिख लो, ए वन ए टू, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन यूनियन बी यू ए टू दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन इंटरसेक्शन ए टू। इसकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। उसके बाद हमने प्रूफ कर देखते हैं, इसका प्रूफ में क्या है, अगर लेट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिस इज इक्वल टू मेरे पास क्या है एन, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने कितने ले लिए एन। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इवेंट फेवरेबल टू ए वन, ए वन के लिए हमने फेवरेबल आउटकम्स के लिए हमने क्या मान लिया एम वन, किसके अंदर ए वन के अंदर, ए टू के लिए हमने मान लिया फेवरेबल आउटकम्स एम टू। अगर हमने उसका इंटरसेक्शन सपोज करो, इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आएगा ए वन इंटरसेक्शन ए टू दिस इज इक्वल टू एम। वेन डायग्राम से देखते हैं, ए मेरे पास कोई सेट है, ये हमने एम वन मान लिया, ये मेरे पास एम टू मान लिया, और इनके बीच का जो इंटरसेक्शन है वो मेरे पास क्या मान लिया एम मान लिया। तो बस ये था। अगर मैं देखो नंबर ऑफ एंट्री इवेंट फेवरेबल टू ए वन ओनली, ए वन में क्या आएगा, सिर्फ ओनली ए वन में, एक पूरे के अंदर मेरे पास क्या ए वन माइनस एम। अगर मैं ओनली फेवरेबल ए टू के अंदर निकालूँ, ए टू ये ए वन है, ये मेरे पास ए टू है, अगर ए टू के अंदर निकालूँ तो क्या आएगा, वही आएगा बिल्कुल सेम, क्या आएगा एम टू एम वन की प्लेस पर एम टू माइनस एम। उसके बाद अगर मैं यूनियन निकालूँ तो यूनियन में एक देखो क्या, ये भी प्लस होगा है ना, ये भी देखो ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, मतलब जो ओनली ए में था एक जो इंटरसेक्शन में था, इंटरसेक्शन में था एक मेरे पास जो बी में था, तो तीनों का ऐड कर लेगा हमने, ए वन माइनस एम, ए वन माइनस एम प्लस एम प्लस एम टू माइनस एम। तो यहाँ से देखो ये दिस इज कैंसल आउट, तो एम वन प्लस एम टू माइनस एन रहेगा है ना, ए वन यूनियन ए टू के अंदर। अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूँ ए वन यूनियन ए टू तो क्या आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स में मेरे पास क्या था ए वन प्लस एम टू माइनस एम डिवाइडेड बाई एम, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी एम वन प्लस एम टू माइनस एम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ना। तो अगर मैं इस एन को इसके नीचे लिखूँ, इसका अलग अलग करके नीचे लिखते हैं, तो अलग अलग नीचे लिखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वी नो दैट, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन, ए वन की अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूँ क्या आएगी एम वन डिवाइडेड बाई एन, अगर एम टू की निकालूँ तो एम ए टू की निकालूँ तो एम टू डिवाइडेड बाई एन, अगर मैं इंटरसेक्शन की निकाल लूँ क्या आएगा एम बाई एन। तो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन यूनियन ए टू, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू प्लस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन इंटरसेक्शन। तो ये हमें, थैंक यू।